और ये आवाज पूरा बिहार में गूंजना चाहिए, ये आवाज पूरा बिहार से लेकर कश्मीर तक गूंजना चाहिए, ये आवाज पूरा कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक गूंजना चाहिए। जा रहे हैं शाम करने के लिए, वहाँ पर कैसे सॉल्व होगा? आप तो अगर क्षेत्र में जा रहे हैं शाम करने के लिए और वहाँ पर फिर आपका पेमेंट रख लिए, आप किसको भी नहीं होगा। सभी को पहले दिल से धन्यवाद देना चाहते हैं। साथियों, आज का जो मुद्दा है और आज हम लोग जो किशनगंज जिले में बैठक करने का कारण है, जो ऑपरेटरों को समस्या है, जो ऑपरेटरों को एक सही समय से वेतन नहीं मिल रहा है, जो ऑपरेटरों को एक दुर्घटना होने पर उनके परिवार को एक सहायता नहीं मिल रहा है, जो ऑपरेटरों को जो काम करा कर मालिक या कंपनी सही समय से वेतन नहीं देते हैं, कभी कभी तो काम करा कर साफ वेतन ही नहीं देते हैं, बहुत सारे जगह हमारे ऑपरेटर के ऊपर शोषित हो जाता है, प्रताड़ित किया जाता है, और ये एक बात सच्चाई है और ये सच्चाई जो है कोई झुठला नहीं सकता है। आज हमारे साथ हुआ है तो कल उनके साथ हुआ है, किसी न किसी के साथ हुआ है। जो ये ऑपरेटर शोषण मुक्त भारत बनाने का हम लोग नारा है, ये हम लोग इस मुहिम पर चला रहे हैं, और यहाँ पर जो मीटिंग का व्यवस्थापक है हमारे सरफराज आलम है, उनके लिए जोरदार ताली से स्वागत किया जाए। और साथियों, धीरे धीरे हम मुद्दे पर बात करेंगे, पहले एक बार आवाज लगाइए जरूर, और ये आवाज पूरा बिहार में गूंजना चाहिए, ये आवाज पूरा बिहार से लेकर कश्मीर तक गूंजना चाहिए, ये आवाज पूरा कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक गूंजना चाहिए। आवाज को हमारी मांगे पूरी की जाए, हमारी मांगे पूरा किया जाए, हमारी मांगे। हेलो साथियों, पहले तो हम आप लोगों को बताना चाहते हैं इस संस्था के बारे में, जो ऑपरेटिव एकता सहायता फाउंडेशन जिसका नाम है और जो एक भारत सरकार से रजिस्टर्ड है। साथियों, और ये रजिस्टर्ड है कि नहीं है आप लोगों को भी जानकारी होना चाहिए। देखिए, ये ऑपरेटर जो सेंट्रल गवर्नमेंट से एक अप्रूवल लेटर जो मिला है, यहाँ पर सील भी होगा, ये केवल एक फ्रॉड नहीं है, फेक नहीं है। बहुत सारे मन में चलता है कि भैया ये तो पैसा कमाने खाने वाला के लिए बनाया है, तो ये बात नहीं है। ये बिहार में चौथा मीटिंग हो रहा है, ये चार बार मीटिंग हो रहा है, इससे पहले हम लोग सिवान जिला में, मुजफ्फरपुर में, बेतिया में और ये किशनगंज जिला में चार मीटिंग हो रहा है, झारखंड में भी हम लोग मीटिंग किए हैं, जम्मू कश्मीर का भी नाम सुने होंगे आप लोग, वहां पर भी हम लोग बैठक किए हैं, बंगलोर में भी बैठक किए हैं, महाराष्ट्र में भी बैठक चल रहा है, और इसका हर राज्य से हर जिले से इस संस्था में ऑपरेटर जुड़े हैं। और इसमें जुड़ने का क्या फायदा है, आप इस संस्था से क्यों जुड़े, इसके कारण आप लोग बताना चाहते हैं कि देखिए, जब हम लोग में यूनिटी नहीं रहेगा, अगर आप अपने अपने ऑपरेटर को पेट पर लात मारेंगे, एक ऑपरेटर 20,000 में काम कर रहा है तो दूसरा ऑपरेटर 15,000 में चला जा रहा है, तो ये कमियां किसमें है? मालिक में नहीं है, ये कमियां ऑपरेटर में है, इसको हम सबको मिलकर बदलना पड़ेगा, और ये बदलना जरूरी है। जब हम लोग का जो हम लोग का परिवार है, जो हम लोग का बच्चे हैं, अगर हम लोग को एक सही समय से वेतन मिलेगा, एक समान वेतन मिलेगा, तभी जाके हम लोग का जो भविष्य है, जो हमारा परिवार है, जो हम लोग का बच्चे हैं, अच्छा से पढ़ सकते हैं और एक इंजीनियर बन सकते हैं। क्या आप अपने बच्चों को ड्राइवर बना सकते हैं? जैसे भी ड्राइवर बनाइएगा, नहीं बनाइएगा ना, आप चाहिएगा भी कि हमारे जो बच्चे हैं इंजीनियर बने, IAS बने, डॉक्टर बने, तो उसके लिए चाहिए तो भैया पैसा। अगर आपको सही समय से मजदूरी नहीं मिलेगा, आप आज का डेट में देख लीजिए, एक मजदूर 400 से 500 रुपए कमा रहा है और सुबह में 9 बजे आता है और शाम को 5 बजे चला जाता है, और आप लोग जो हमारे ऑपरेटर साथी है सुबह में 6 बजे से मशीन चालू करते हैं तो रात को 8 बजे 9 बजे 10 बजे तक मशीन चलाते हैं, और ओवर टाइम का भी पैसा नहीं दिया जाता है,
कहीं कहीं रोटी भी नहीं दिया जाता है, तो कमियां किसमें है? ये तो कमियां ऑपरेटर में है ना। ये हम सबको सुधारना पड़ेगा, ये हम सबको परिवर्तन लाना पड़ेगा, और एक दिन में नहीं होगा। आज आप लोग सोचिए कि एक दिन में सब कुछ हो जाएगा तो जादू का छड़ी हम लोग लेकर नहीं बैठे हैं। आप लोग सपोर्ट करिएगा, बूंद बूंद से तला भरता है, आप लोग साथ दीजिएगा, तभी हम लोग को जो एक मुहिम है ऑपरेटर शोषण मुक्त भारत बनाने का, हर ऑपरेटर को समान वेतन दिलाने का, एक सही समय से वेतन दिलाने का, तभी हो सकता है। साथियों, इसका जो ऑफिस है आप लोग हम बता देना चाहते हैं, जो यहाँ लिखा है रजिस्ट्रेड ऑफिस बदनौली पंचायत जगतपुर ब्लॉक लकड़ी नबीगंज सिवान बिहार में है, और ये एक सौभाग्य है कि ये ऑफिस जो बिहार में है, और ये जो ऑफिस है ये पूरा भारत के हर ऑपरेटर को यहाँ से कंट्रोल होता है। कोई भी समस्या आते हैं उनको समस्या का सुना जाता है और समस्या का सॉल्व भी किया जाता है। हम लोग बहुत जगह मदद किए हैं, हम लोग का यूट्यूब चैनल है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, ट्विटर है, आप लोग वहां पर जाकर देखिए कि हम लोग मदद किए हैं कि नहीं किए हैं, कैसे हवा में बात कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग का एक लक्ष्य है कि हर ऑपरेटर को एक जो प्रॉब्लम हो रही है उसको दूर किया जाए। अगर हम लोग अपना आपके लिए आवाज नहीं उठाएंगे, अगर हम अपने अपने के लिए आवाज नहीं उठाया जाएगा, अपने के लिए लड़ाई नहीं लड़ा जाएगा, तो हम सब के लिए कोई नहीं आएगा, ना आपका कोई नेता आएगा, ना कोई मालिक या कंपनी आपको लोगों बोलेगा कि भैया आपका पेमेंट ना बढ़ा देंगे। हम लोग को खुद बढ़वाना पड़ेगा, और ये केवल बिहार के ऑपरेटर के लिए नहीं बोल रहे हैं, हम भारत की में समस्त ऑपरेटर के लिए बोलना चाहते हैं कि आप लोग साथ दीजिए। जो ऑपरेटर का सहायता फाउंडेशन बना है इसके साथ जुड़िए। अगर आप जुड़ते हैं तो इससे आप लोगों को लाभ क्या है? मान लीजिए कहीं आपका पेमेंट फंस गया या आपका कोई समस्या आ गया, तो भी आप किसको बोलिएगा? आप अपना जिसको वोट देते हैं, कोई भी एमपी विधायक या कोई भी किसी को वोट देते हैं, उनके पास जाके अपना समस्या को सुनाइएगा, तो सॉल्व का हो पाएगा नहीं हो पाएगा ना। मान लीजिए हम लोग के लिए जो आवाज है ऑपरेटर का सहायता कमीशन, जो हमें हमारे हित के लिए काम करती है, तो हम लोग का भी एक नेता होना चाहिए, हम लोग का भी एक कुछ होना चाहिए, संस्था होना चाहिए कि अगर कोई समस्या है तो हम इनके पास जाएंगे तो हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो पाएगा। मान लीजिए आप किशनगंज जिला के हैं, अब मान लीजिए यहाँ से महाराष्ट्र में जा रहे हैं काम करने के लिए, वहां पर कैसे सॉल्व होगा? आप तो अदर क्षेत्र में जा रहे हैं काम करने के लिए, और वहां पर कोई आपका पेमेंट रख लिए तो आप किसको बोलिएगा? इसके लिए हम सभी ऑपरेटर भाइयों से कहना चाहते हैं, वो ऑपरेटर एकता सहायता फाउंडेशन के साथ जुड़िए, सपोर्ट करिए, क्योंकि संस्था आप लोग के लिए बना है, आप लोग के हित के लिए बना है। अगर आज आप लोग सपोर्ट नहीं करिएगा तो आने वाले समय में और ऑपरेटरों के ऊपर प्रताड़ित होगा। अभी हमारे सरफराज जी इसे आधा घंटा पहले हमको बतला रहे थे, एक ऑपरेटर जिनका नाम क्या है उनका ऑपरेटर जो जेल में है, हाँ ऑपरेटर का नाम पता नहीं है, लेकिन वो नागालैंड में काम कर रहे थे, और तीन ऑपरेटर हैं, तीन ऑपरेटर नागालैंड में काम कर रहे थे, और उनका मालिक पांच महीने से पेमेंट नहीं दे रहा था, और लास्ट में मशीन छोड़ के आ गए, और छोड़ के आने के बाद उन लोगों में भी गलती है। जब आप मशीन छोड़ के आ रहे हैं कोई भी ऑपरेटर, तो एक बार संस्था को इन्फॉर्म करना चाहिए था, लेकिन गलत उनका भी है, और ताली दोनों हाथ से बजती है। मान लीजिए आप गलत कर रहे हैं और यहाँ पर किशनगंज जिला में आपके टेलर पकड़ रहे हैं, तो थोड़ा गलत है, लेकिन मालिक को भी समझना चाहिए कि देखिए मालिक प्रताड़ित किया गया, तभी ऑपरेटर जो है एक गलत कदम उठाया गया। अगर ऑपरेटर अभी देखिए आप लोग को मोबाइल में वीडियो आता होगा कि कहीं ऑपरेटर डीजल चोरी कर रहा है, तो कोई मालिक मार रहा है, तो क्यों ऑपरेटर डीजल चोरी कर रहा है? चोरी करने का कारण क्या है? मजबूरियां। जब आप 25,000-30,000 पेमेंट नहीं दीजिएगा और आप बोलिए अगर 10,000 में ऑपरेटर काम कर ले, तो ऑपरेटर है ना, हजार नहीं है ना, तब 10,000 में काम करवा लीजिएगा, 5,000 में काम करवा लीजिएगा, तो ये समझना चाहिए मालिक को भी। और हम मालिक से भी कहना चाहते हैं, और जो कंपनी है जो कंपनी के माध्यम से भी कहना चाहते हैं कि आप लोग सीनियर ऑपरेटरों को रखिए, और जो ऑपरेटर है हमारे जो अभी हम लोग एक रोजगार ऐप ला रहे हैं, और उस ऐप से जुड़ा जाए, और किसी भी मालिक को या कंपनी को ऑपरेटर चाहिए तो संस्था के थ्रू से ही लिए, ये नहीं कि कोई भी ऑपरेटर को आप बुला लीजिएगा,
आप एग्रीमेंट नहीं कराइएगा। मान लीजिए बहुत सारे ऑपरेटर के भी जाते हैं कहीं बाहर में और टिकट का पैसा ले लेते हैं और वहां पर पहुंचते नहीं है, उनका भी गलती है। तो ये गलत खत्म होना चाहिए। हम लोग अगर मालिक और जब तक मालिक ऑपरेटर साथ नहीं आएंगे जब तक दोनों का विकास नहीं होगा। केवल मालिक का हम लोग खिलाफ जाएंगे या ऑपरेटर के खिलाफ जाएंगे तो किसी का भी विकास नहीं होगा। दोनों को साथ मिलकर चलना पड़ेगा। और हम सभी ऑपरेटर से कहना चाहते हैं गलती अपना नहीं है, अपने आप को बदलिए। एक एक ऑपरेटर बदलेंगे तभी जाके हम लोगों में परिवर्तन आएगा, तभी हम लोग में जाके एक जो अभी समान वेतन का हम लोग मुहिम चला रहे हैं उसको मिलेगा। और साथियों और यहाँ पर जो भी हमारे तमाम ऑपरेटर आए हैं एक एक करके अपने समस्या बताएंगे और जो भी समस्या है उनका सॉल्व किया जाएगा और सुना भी जाएगा क्योंकि अभी लाइव चल रहे हैं और वीडियो भी यूट्यूब पर भी चल रहा है। धीरे धीरे जिसको भी अगर कोई समस्या है आप लोग आके बताइए, बस जिसे कहा कि समस्या बताइए। आप लोग को 30,000 पेमेंट मिल रहा है तो फिर कहाँ भी आगे समस्या बतला रहे अपना। हाँ अगर हम बोलेंगे कि यह किशनगंज जिला में 30,000 मिल रहा है कि 12,000 मिल रहा है तो बहुत सारे बेटा विश्वास नहीं करेंगे, बहुत सारे मालिक भी विश्वास नहीं करेंगे। लेकिन अगर किशनगंज जिला का ऑपरेटर अगर यहाँ पर आके बोलते हैं कि भैया हमारा समस्या है, तब जाके यहाँ का मालिक जो है कंपनी है या जो भारत का समस्या है वो सुनेंगे। और ये लाइव चल जी, मेरा नाम मोहम्मद शमीम अख्तर है, मैं डीगल बैंक से हूँ। मेरा समस्या